जनपद में कुछ ही महीनों में अपनी तेज तरार छवि से शांति व्यवस्था कायम रखने वाले पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने 10 सितंबर के दोपहर औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने थाने के कार्यालय, लॉकअप अपराध रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष, भूमि विवाद रजिस्टर, मालखाने का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर में रहे निर्माणाधीन भवन को भी निरीक्षण किया। थाना विवाद में उन्होंने सभी अभिलेखों को समय से अद्यावधिक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने भोजनालय व पुलिस कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था सहित थाना परिसर की साफ सफाई भी चेक किया। उन्होंने थाना अध्यक्ष विवार व पुलिस कर्मियों को लंबित विवेचनाओं व IGS के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए हमीरपुर से सद्दम हुसैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आकस्मिक निरीक्षण इसलिए किया गया कि यहाँ के रिकॉर्ड्स को चेक किया सके कि अभ्यावधिक है कि नहीं है, विवेचनाओं की क्या पोजीशन है, IGRS की क्या पोजीशन है। इस संबंध में सभी विवेचकों को और जांचकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय से चीज़ों को निस्तारित कर दिया करें, अनावश्यक रूप से विवेचना लंबित न रखा जाए। साथ ही IGRS में जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं न सिर्फ उसका निस्तारण किया जाए बल्कि उसकी गुणवत्ता पर निस्तारण किया जाए, जिससे कि पब्लिक की समस्या का समाधान हो सके और उन्हें अनावश्यक भटकना न पड़े। इसी संबंध में सभी को निर्देशित किया गया। साथ ही परिसर में आवश्यक